छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 3 लोकसभा क्षेत्र कांकेर, महासमुंद और राजनंदगांव में होगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में बतौर स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के पंडरिया के ग्राम कोदवा गोड़ान में आयोजित विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक भावना बोहरा और धर्मजीत सिंह ने संबोधित किया। ये विशाल जनसभा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को विजय बनाने के लिए आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में कांग्रेस ने अब तक भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन मोदी की गारंटी ने आज सभी देशवासियों को लाभ पहुँचाया है। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव 2024 के भाजपा प्रत्याशी सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनका भी करतल ध्वनि से